कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फाइनली अपने लॉफ्ट में, अपने कबूतरों के पास आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग के जैसे विंटर ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है, तो उनकी बहुत सारे कबूतर ने जो अंडे रखे थे उनके बच्चे भी निकल आए हैं, और बहुत सारे भी अंडे पे बैठे हुए कबूतर। गाइज फाइनली हम लोग के जो एक अलमंड मुखी थे उनके बच्चे निकल आए थे, हो गए 3-4 दिन हो गए। उनके बच्चे गाइज थोड़े से अलग टाइप के निकले, ऐसे हम आपको दिखाते हैं। गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लिए। कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो जो होती हैं कबूतरों से रिलेटेड वो आती रहती है। अगर आपको कोई भी कबूतर वहाँ पसंद आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके उनको मंगा सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी हम मंगा सकते हैं, डिलीवरी हो जाएगी। जैसे यूपी में है तो आपका 24 घंटे के अंदर आपको कबूतर मिल जाएगा, बाकी अगर यूपी के बाहर है तो आपको ट्रेन की टाइमिंग पर डिपेंड करता है, वो आपको मिल जाएगा 2 से 3-4 दिन में कबूतर आपको मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से बता दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि गाइज हम लोग ऐसे ही टॉपिक लाते रहते हैं। चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो हम लोग अलमंड मुखी के बच्चे निकले थे उनको आपको दिखाते हैं। तो जैसे गाइस ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं केज में जो अभी फीमेल है बच्चों पे बैठी हुई है, तो हम आपको इसका इसका नेल मेल दिखा दे रहे हैं। तो गाइस ये फाइनली इसका जो मेल है ये देखिए अलमंड मुखी का, ये ओरिजिनल प्यार है। जैसे आप देख सकते हैं इसके रिंग भी पड़ी हुई है, ये मेल इसका। हम आपको फीमेल को भी दिखा दे रहे हैं, ये देखिए गाइस ये फीमेल है, ये अंडे पे जैसे बैठी है सेक रही थी। बच्चे दिखा देते हैं इसके, जैसे बताया था इसके बच्चे जो लगभग 8 से 10 दिन हो गया बच्चे निकल आए हैं, ये देखिए। तो भाई ये बच्चे आपको देख के 10 दिन के नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये रियलिटी में 10 दिन के बच्चे हैं। इनके क्या है, ऐसे 10 दिन में बच्चों के पूरे पर आ जाते हैं, लेकिन इनके भी देख सकते हैं आपको कोई पर नहीं। पहले बच्चा निकला था तब ये मेल होगा, ज़्यादातर जो पहले बच्चा निकलता है वो मेल होता है। तो देखिए, तो गाइस इसकी आँखें जो है, जैसे आप इधर बताइए आपको दिखा देते हैं इसकी, गाइस जैसे आँखें देख सकते हैं, देख सकते हैं इसकी आप आंखें अगर देखिए तो इसकी आंखें रेड हैं। ऐसे ऐसे होता नहीं ज़्यादातर, क्योंकि आंखें ज़्यादातर बच्चों की ब्लैक होती हैं, तो पूरी आंखें देखिए आप जैसे रेड आंखें हैं। ये देखिए ये बच्चा लगभग 10 दिन का है, ये पहले निकला था, ये मेल है गाइस। और ये देखिए आप जैसे दूसरा बच्चा देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब इनके हल्के हल्के अब पर आना स्टार्ट हुए, लगभग 10-12 दिन हो गए, उसके बाद अब इनके पर आना स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए। वैसे तो 10 दिन में बच्चे काफ़ी बड़े लगने लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है अभी आपको देखिए, देखते हैं बहुत छोटे छोटे पर आए। तो भाई चलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, रख देते हैं इनके केज में रख देते हैं। इनके केज में हम इनको रख दे रहे हैं, देखिए हम लोग एक ये कबूतर है, चांदना का कबूतर है, ये देखिए। तो इसका जैसे मैं आपको दिखाया था कि इसका नर भाग गया था, इसके दो बच्चे थे, तो गाइस इनके दोनों बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे इनके मर गए हैं। तो ये क्या है, सिंगल फीमेल पड़ी हुई थी जो है, बहुत सारे कबूतरों का जोड़ा बेकार कर रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी इसके लिए कोई मेल ले आएंगे चांदना का, अगर हम लोग को मिल जाता है तो इसके लिए कोई मेल ला के हम लोग डाल देंगे तो इनका जोड़ लग जाएगा। तो गाइस जैसे देखिए हम लोग का जो दिखाया था आपको हैदराबादी और मुखी का जोड़ लगा था, वो इधर केज में बैठे हुए हैं, ये देखिए। और जो जरद का हम लोगों ने दिखाया था आपको, हम लोग की फीमेल को जो बिल्ली ने मार दिया था, तो हमने क्या किया, एक हम लोग को फीमेल बताया था आपको मिल गई थी, तो उसके साथ फीमेल के साथ ला के इनका हमने जोड़ा लगा दिया, इनका जोड़ा लग गया है। देखिए देखिए हम लोग स्पेनिश कॉरेरा लाए थे, स्पेनिश ब्रीड के जो कबूतर लाए थे, ये देखिए ये जैसे मेल है ये फीमेल। तो गाइस इनका भी जोड़ा नहीं लग रहा है, जैसे बिल्कुल हीट पे नहीं है, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, क्या इनको बादाम खिलाएंगे, थोड़ा सा हीट पे आ जाएंगे तो ये क्या अंडे बच्चे जल्दी रखेंगे। तो इनको हम लोग केज दे दे रहे हैं ना, इधर केज में डाल दे रहे हैं, तो इनको हम लोग बादाम खिला देंगे तो ये हीट पे आ जाएंगे थोड़ा। तो गाइस देखिए जैसे हम लोग के सारे कबूतर बैठे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं मोटा भाई जो अपने बच्चे पे बैठा हुआ है, इसका भी बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये वाला, क्योंकि इनका साइज़ जो होता है काफ़ी हैवी साइज़ होता है। और अपने ये लक्के हैं गाइस, जो इन्होंने अंडा रखा था इनका अंडा ख़राब हो गया, मतलब अंडा फूट गया था, तो ये बहुत जल्दी हो सकता है दोबारा अंडे रख देंगे। और अपने डिंग मॉडिना भी ब्रीडिंग पर आ गए, फिर से अंडे रखेंगे। जैसे इनका बच्चा निकला था आपको हमने दिखाया था, इनका बच्चा मर गया था गाइस, तो हम लोग करेंगे क्या, ये लोग फिर से अंडे रख देंगे। और जैसे हम लोग का ये पॉटर है थोड़ा सा बीमार है, तो इसका हम लोग जो है इसका दवा करने वाले, देखिए इसको हम लोग अभी अलग रखा है हुआ, जैसे सबसे क्योंकि कोई भी बीमार कबूतर इनको सबसे अलग रखना पड़ता है। ये अपना गाइस शादी बैठा हुआ है, जैसे हम लोग के कबूतर सब बाहर जा रहे हैं, कि बाहर जो है धूप निकली हुई है, हम लोग सबको बाहर कर देंगे। तो गाइस हम लोग करते हैं कि अपने कबूतरों को बाहर करके उनको थोड़ा दाना वाना खिला देंगे। और ये देखिए गाइस, ये आप पॉटर जैसे मैगपाई पॉटर आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी ये भी गाइस फिर से अंडे रखने वाले थे। हमने आपको बताया था इन्होंने अंडा रखा था, उन्होंने इनका अंडा जो है चेंज कर दिया था, ये फार्म हाउस के साथ चेंज कर दिया था, कि वो गाइस सही से अंडे को सेक नहीं पा रहे थे, 1-2 दिनों सही से बैठ नहीं पाए, तो उन्होंने अंडा चेंज कर दिया और अंडे में फाइनली बच्चा भी पड़ चुका है। बहुत जल्दी इसके जो 8-10 दिन में इनका जो बच्चा निकल आएगा। तो गाइस अपने सारे कबूतर भी जो है केज में कुछ बैठे हैं, तो कुछ बाहर चले गए दाना वाना खाने के लिए चले गए।
थी फाइनली आज की वीडियो। जो गाइज हम लोग के कुछ बच्चे निकले हैं अभी विंटर प्रोग्रेस जो हम लोग की चल रही है कबूतरों की। तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन करिए, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।